महापुरुष संत बाबा ठाकुर सिंह जी भेजणगे ना, मैं उस चोले नूं पा के फांसी लगना। सरकारी कपड़े पाने पैंदे आ फांसी लगन लग्या, तोबरा मूँह ते चढ़ाउंदे आ। ते भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा ने कहा सी कि महापुरखां दे जिहड़ी दस्तार भेजी है मैं उह सीस ते सजाउणी आ, जिहड़ी उहनां दी केसरी दस्तार ते चिट्टे चोलियां वाली तस्वीर है ना, वह फांसी लगन तो कुछ समा पहलों की खिंची हुई तस्वीर है। तो उस तस्वीर दसदी है कि सूरमिया के चेहर से लाली किहो जी सी। जनरल वैद्या जिन्हें सारी कमांड की सी हरिमंदर साहब के उत्ते अटैक करन दी, सिख कौम की लथी हुई पग उन्हां सूरमिया ने सिर ते रखी सी। ते जिहड़े प्रचारक अज इहो जिहियां गल्लां करदे आ ना, वो सिख कौम नूं सिधांत तो तोड़ना चाहुंदे आ। ते उन्होंने करना की हुंदा, 90 गल्लां जां 99 गल्लां पूरियां सही दसनियां, खीर ते आके उन्होंने अपनी गल दसनी है। जिन्हें 99 सही कबूल कर लिया उन्हें कहना आ 100वीं भी ठीक ही होनी है, क्योंकि उन्होंने बकायदा इसके पैसे मिलते हैं, बकायदा वो पेड ने। तो इस करके सिख कौम सिधांत तो तोड़ना चाहते हैं। भाई हरजिंदर सिंह ते भाई सुखदेव सिंह सुखा उन्होंने जिहो जी शहादत दिती है ना, भाई सुखा सिंह ते मतार सिंह दे पूर्णिया ते चले आ। जे हरिमंदर साहब ते अटैक होया ते जिसने अटैक किया वो अजे तक जिंदा रहिंदा ते साडी इज्जत की सी। जिस जरनल ने तोप दे गोले मारन दा आर्डर दिता श्री अकाल तख्त साहब, जिन्हां ने उदों दर्शन किए आ ना, भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह नूं दिखाया सी सिंघां ने खड़ के, आ वेखो जिस बीबी की तुसीं सिक्योरिटी पे करदे आ वेखो। तो श्री अकाल तख्त साहब इकट्ठा होया वेख के उन्हां दा खून खौल उठिया सी। भाई हरजिंदर सिंह जिंदा बड़े पढ़े लिखे सी, एवें अनपढ़ नहीं सी। जिहड़े बाहरलियां सूबियां दे विच सिख पढ़दे सी ना, बहुत उच्च विद्या प्राप्त कर रहे सी, वह सोचते होंदे सी कि असी इस भारत देश के बछिंदे आ। पर जिस दिन हरिमंदर साहब अटैक होया, देश के सारे सूबियां विच साध संगत जी फिरका परस्तियां ने लड्डू वंडे सी, ते सिखां नूं उदों पता लग गया सी कि असी इस देश के वासी नहीं हुण रहे। भाई हरजिंदर सिंह जिंदे ने ते भाई सुखदेव सिंह सुखे ने दरबार साहब ते श्री अकाल तख्त साहब की इमारत विच वजे हुए गोले अपने शरीर ते वेखे, ते जनरल वैद्या नूं उन्हां पूने जा के फिर ढाया सी, दस्या सी भाई ऊधम सिंह दे वारस बन के 21 साल बाद ऊधम सिंह दा खून खौलिया। ते उसने कहा सी उस जनरल डायर नूं कि तू सोचदा सिख कौम मर गई है, सिख कौम दे जिउंदे होण दा सबूत भाई ऊधम सिंह ने दिता सी। ते सिख कौम दे जिउंदे होण दा सबूत भाई सुखदेव सिंह सुखे ते भाई हरजिंदर सिंह जिंदे ने दिता सी। मैं उन्हां दी किन्नियां कु गल्लां तुहानूं दसां। साध संगत जी, जदों अखीरली मुलाकात भाई हरजिंदर सिंह जी की माता ने कीती सी ना, ये माता ने खुद मैनू वचन दसे, अज माता सचखंड जा चुकी है, माता शरीर करके नहीं है। मैनू बहुत नेड़े उस परिवार नाल मिलने का मौका मिलिया। भाई हरजिंदर सिंह जी की माता ने बहुत सादा जीवन जीविया, एडे सूरबीर नूं जन्म देने वाली माता, क्योंकि वलवले हुंदे मैनू वचन याद आया, भाई हरजिंदर सिंह की माता की अखीरली मुलाकात सी जेल दे विच, ते अगले दिन भाई साहब ने फांसी का रस्सा चुमना सी। माता ने की वर्ड कहे, की शब्द कहे जदों अखीरली मुलाकात सी ना, सलाखा दे विच दी हाथ अपने पुत्र दे सीस ते रख के माता ने कहा, पुत्र जिंद, माता जिंद क्या करदी सी प्यार नाल। माता ने कहा, पुत जिंद, वेखी कि मेरे दुध नूं दाग ना ला देवी, चढ़दी कला नाल फांसी लगी। ये माता दे कहे हुए शब्द, ये उही माता कह सकती है जिन्हों सरहंद दीआं नीहां विच बाबा फतेह सिंह साहब की शहादत याद है, जिन्हों गुरदेव के साहबजादियां दे डुले हुए खून दे
साध संगत जी अपने रगां विच उन्हूं स्पर्श कर रही है, वह ही माँ कह सकती है पुत कल तू फांसी लगना ते मेरे दुध नूं दाग ना लावी, चढ़दी कला नाल फांसी लगी। भाई हरजिंदर सिंह ने आखिरी शब्द कहे सी, माता मेरी शहादत दी एक भी कौडी कौम कोलों ना लियो, एक भी पैसा ना कौम कोलों लियो। ते भाई हरजिंदर सिंह दे परिवार ने एक भी पैसा कदी कौम कोलों नहीं लिया, अपनी जमीन तो ही वह गुजारा करते रहे है। बड़े ऐसे वाकया मेरिया अखां दे सामने वापरे। माता ने जदों भाई साहब दे शरीर नूं वेख्या सी ना, क्योंकि फांसी दे के ते दोहां दीआं लोथां सामने रखियां होईआं सी, फांसी लगण तो पहलां दोहां दा भार वध गया सी। ते भार उदों वधदा जदों मनुख खुश होवे बहुत ज़्यादा। वेखो मौत नूं किवें उहनां हस के गले लाया। माता ने जदों भाई हरजिंदर सिंह दे शीश तों पल्ला उठाया ना, ये कहना बड़ा सौखा हुंदा है, जिन्हें अपनी गोद विच दुध चंगाया ना, वो माँ नूं पुछ के वेखो कि अपने मरे हुए पुत्र की लोह तो जदों खप्पड़ उठाउणा पैंदा है उदों की पाणा वापरदा। माँ ने जदों भाई जिंदे की लोह तो कपड़ा लाया सी ना, ते इन्ने जोश नाल भर गई सी माता कि उन्हें अपनी रसना तो जकारा छड्डिया सी कि मेरा पुत्र गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद विच प्रवान चढ़ गया। तो आप उन्हां शहीदां दा नां लैण तो भी डरीए, भावें कि पंजाब तो बहुत दूर आए नंदेड़ शहर, पर तुसीं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज की सिक्ख्या नूं पालदे हुए सिखी कमा रहे हो। जो कुछ क्योंकि असीं इस देश दे हिस्से विच वसदे हां ते सारे देश दे विच साडे गुर अस्थान मौजूद ने, असीं कदा भी देश की वंड नहीं चाहुंदे। जे देश की वंड होवे असीं हजूर साहब के दर्शन किवें करांगे, पटना साहब के दर्शन किवें करांगे। पर जदों देश के हुक्मरान ही ये चाहुण कि तुहानू देश विच रहण ही नहीं देना, जे रहना है तो साडे मुताबक रहो, तो फिर तो उन्हूं सरकार कुछ भी नहीं कहिंदी। जिहड़ा सिर तो केस कटाई फिरे ते मूँह सिर मना के सिर तो दस्तार लाई फिरे, उन्होंने की तंगी है? फिर कहिंदे रहो साडे वांग बण के रहो, पर जे तुसीं वखरे पुणे नाल रहना तो फिर नहीं इत्थे रह सकदे। ये सरकार की नीति सीगी। तो शहीदां दे डुले हुए खून नूं जरूर याद करना चाहिए, विशेष जिथे आपां महाराज जी का पुरब मना रहे हैं ना, सतगुरु जी दे पुरब नूं मनाउंदिआं होइआं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब की सिक्ख्या नूं कमाया इन्हां योधिआं ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो कुछ सानूं धरोहर दे विच दित्ता है ना, इन्हां योधिआं सूर वीरां ने गुरु साहब दे उस उपदेश नूं कमाउंदिआं होइआं अपनीआं शहादतां दित्तीआं। अज शहीदी दिहाड़ा होण करके सिंघां ने हुक्म कीता सी कि कुछ अज दे दिन ते जरूर बचन कहो, ते इस करके मैं संबंधित बचन कहे।